गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है और एडमिशन मेथड क्या होता है। आज उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया था, आई थिंक उसमें मैंने बताया था, एक तो मैंने आपको जनरल रूल बताए थे, पांच उसके रूल थे, और उसके ऊपर करवाया था वाई इज इक्वल टू एक्स, कोई अगर वेरिएबल है तो उसको आपने किस तरह से डिफरेंशिएट किया था, तो उसका डेरिवेटिव आपने देखा था, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1। आज हम उसी के बेस के ऊपर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, y is equals to c, इसे फर्स्ट रखेंगे। तो याद रखिएगा, अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल है तो कांस्टेंट वेरिएबल में कभी कोई इंक्रीमेंट नहीं लगती, कांस्टेंट वैल्यू रिमेन सेम। आपको मैंने बताया हुआ ये आपका y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, जहां पर मतलब कांस्टेंट फंक्शन में जैसे f of x is equal to क्या कह देते हो आप, रिलेटिव भी 5 कह देते हो, ठीक है। तो अब ये कभी भी चेंजेबल नहीं होगा, चाहे यहां पे x की वैल्यू कोई भी हो, x की वैल्यू 1 2 जो मर्जी पुट करिए, क्योंकि ये f(x) के इक्वल होगा, ये होगा y के इक्वल, ठीक है, किसके इक्वल होगा, y। तो अगर आप यहां पर कोई भी वैल्यू पुट कर देते हो यहां पे x में कोई भी वैल्यू, क्योंकि y तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर, तो यहां पे कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो ये यहां पे कांस्टेंट ही 5 ही रहेगा। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया है, पहला रूल क्या था, गिव स्मॉल इंक्रीमेंट टू बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 5 की जगह क्या है, c एक हमारा कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, y जब हम स्मॉल इंक्रीमेंट देंगे तो y प्लस डेल्टा y तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ c का c रहेगा। सेकंड स्टेप क्या था, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करिए, आएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y, यही रूल था हमारा, c माइनस c कैंसिलेशन हो जाएगी और डेल्टा y इज इक्वल्स टू 0। थर्ड स्टेप था हमारा टेकिंग डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। अब दोनों साइड क्या करना है, आपने डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करना है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यहां पे 0 अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 ही हो जाएगा। तो अब क्या करना है, आपने टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, ठीक है। अब लिमिट जब लेंगे तो यहां पे आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और लिमिट तो भाई वहीं पे लगेगी यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स है, जहाँ पे डेल्टा एक्स ही नहीं है वहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया, तो हमारा ये स्टेप फर्स्ट था, ये स्टेप फर्स्ट था, सेकेंड था, थर्ड था, ये हमारा स्टेप कौन सा था, फोर्थ। और फिफ्थ स्टेप में क्या था, फिफ्थ स्टेप में था अप्लाई लिमिट। जब आपने लिमिट अप्लाई की, ठीक है, हमें निकलना, यहाँ पे क्या बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0, कितना मिल गया, 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स हमने देखा कि अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्या रहेगा, 0 रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसके बाद, ये आप लोगों ने ले लिया अभी तक हमने जो करवाया है। अब देखिए, हमने आपको पहला तो बताया है कि y इक्वल्स टू अगर x है तो पहला इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 1। और दूसरा क्वेश्चन था हमारा y इक्वल्स टू अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 0, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू f of x is equals to e raised power x। अब ये कौन सा फंक्शन है, एक्चुअल में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नया वर्ड आप लोगों के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमारा नया फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर भी हमारा जो y है डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड किसके ऊपर करता है, x के ऊपर, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू भी चेंज होगी। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो ज्यादा की जो e है आपका e, इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा याद रखना 2 से ज्यादा होती है, 3 से कम होती है, दैट इज जो e होता है वो बिलोंग करता है ओ
ओपन इंटरवल फोर से, मतलब ना तो ई की वैल्यू टू है ना ही थ्री है, इन बिटवीन टू एंड थ्री है, टू पॉइंट समथिंग होती है इसकी वैल्यू ई की, ठीक है। तो आज हमने इसको क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ इसको हमने करना है डिफरेंशिएट। तो आप लोगों को पता है फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या था, गिव स्मॉल इंक्रीमेंट टू बोथ साइड। आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट देनी है दोनों साइड, ठीक है। अब इंक्रीमेंट आप सोच रहे होंगे कि ई तो हमारा है कांस्टेंट फंक्शन, ई हमारा यस ई की वैल्यू फिक्स है टू और थ्री के बीच में है, बट इसकी पावर देखिए क्या है, एक्स है ना, तो एक्स वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे इंक्रीमेंट लगेगी, तो यहाँ पर इधर पर इंक्रीमेंट लगेगी डेल्टा वाई की और इधर इंक्रीमेंट लगेगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। इसे हम रख लेंगे फर्स्ट और इसे रख लेंगे सेकेंड। अब आप लोगों का सेकेंड स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट को कहाँ से, फ्रॉम सेकेंड वीकेंड, सब्ट्रैक्ट करिए फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो ये आएगा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई एक्स, ठीक है। तो ये कैंसिलेशन होगी, आपको यहाँ से मिल गया डेल्टा वाई ई रेस पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि इंक्रीमेंट हमने कहाँ दी है एक्स में, ठीक है, तो माइनस ई एक्स आ गया। आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ई एक्स इंटू ई डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस ई एक्स। अब ये क्यों किया, क्योंकि बेस से पावर्स क्या होती है ऐड होती है, ठीक है, पावर्स क्या हो जाएगी ऐड। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए चेक करिए, अब यहाँ पे e रेस पर x, e रेस पर x आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ से मिल गया डेल्टा y e रेस पर x कॉमन e डेल्टा x माइनस वन, ओके। अब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, दोनों साइड डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स और यहाँ पे आ जाएगा ई एक्स ई डेल्टा एक्स माइनस वन अपॉन डेल्टा एक्स। अब लोगों आप लोगों को बताया मैंने हमारा जो थर्ड रूल है, थर्ड स्टेप क्या है, डिवाइडिंग, ये तो कर दिया, ये सॉरी ये हमारा थर्ड स्टेप था, ठीक है। अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या था, फोर्थ स्टेप हमारा था टेकिंग लिमिट बोथ साइड वीकेंड, दोनों साइड लिमिट लीजिए, तो लिमिट वहीं पे रहेगी जहां पे डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा एक्स सब कुछ टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ई एक्स तो कॉमन रहेगा बाहर, लिमिट कहां रहेगी जहां पे डेल्टा एक्स, तो रहेगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई रेस पर डेल्टा एक्स माइनस वन डेल्टा एक्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहां पे ई रेस पर एक्स इसलिए बाहर आया, क्योंकि यहां पे डेल्टा एक्स नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, अब आपने एक दिमाग में अपने एक फॉर्मूला बिठाना है, वो क्या है, क्लोज टू द मेमोरी, क्या है कि अगर कहीं पर आ जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 आता है और यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है अपॉन e रेस पर x माइनस 1 अपॉन x इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ओके, ये फॉर्मूला है, यू हैव टू कीप इट माइंड अगर कहीं पर भी ऐसा होता है, लेकिन वहां पर एक आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो वर्ड है ये और ये सेम रहना चाहिए। तो जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये देखो डेल्टा एक्स है, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है और यहाँ पर डेल्टा एक्स है, इट मीन ये फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, तो ये किसके इक्वल होता है, वन। तो हमारा जो फिफ्थ स्टेप होता है अप्लाई लिमिट, हम जब लिमिट को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वी गेट, हमें मिलता है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, जो डेल्टा है वो डी बन जाता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था डेल्टा इज अप्रोक्सीमेटली डी और डी इज अप्रोक्सीमेटली डेल्टा, तो ये आ जाएगा ई एक्स इंटू क्या जाएगा वन, तो इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो अभी आपने हमारा कौन सा फॉर्मूला देखा है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है कि अगर यहाँ पर अभी हमने तीन फॉर्मूले लर्न कर लिए, ठीक है, पहला फॉर्मूला हमने कि अगर y is equal to x है तो हमारा डेरिवेटिव इसका, बेटा ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, अगर आप ये फॉर्मूला लर्न रखोगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपने आगे करनी है। दूसरा हमने बताया है y is equal to अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो डेरिवेटिव कितना होता है 0, ठीक है, और तीसरा मैंने बताया है कि अगर y is equal to एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम ही रहता है। तो ये था हमारा आज का।